हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा मेकअप लुक। सो मैंने आज ना कुछ ट्रेडिशनल लुक ट्राई किया है, लाइक बंगाली ट्रेडिशनल लुक ट्राई किया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको जाना है कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बट वीडियो में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करेंगे स्किन केयर से। एंड हाँ गाइज, अमेजोन पे चल रही है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जहाँ पर आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे ऑफर्स, डील्स एंड डिस्काउंट। सो वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से जाओ एंड अपने विशलिस्ट प्रोडक्ट्स को परचेज करो। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का हाइड्रा प्रो सीरम। गाइज आई मस्ट से ये वाला सीरम इतना ज़्यादा अच्छा है, लाइक आप जैसे ही अप्लाई करते हो ना आपको एक मिंटी सी फ्रेग्रेंस मिलती है एंड ऑल्सो आपके जो फेस है ना उसमें ऐसा ठंडा ठंडा सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का हाइड्रा प्रो जेल क्रीम एंड इसे मैं अपने पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करूँगी। एंड ये भी ना एकदम वैसे ही वाइब दे रहा था, ऐसे मिंटी वाली, एंड जैसे आप अप्लाई करोगे ना अच्छे से कूलिंग सेंसेशन मिलती है। सो आप इन दोनों का मिक्सर अप्लाई करते हो ना, लाइक दिस सीरम एंड दिस मॉइस्चराइज़र, तो आपको ना प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ये ना ऑलरेडी आपके फेस को अच्छे से स्मूथ बना देगा, प्राइमर का काम ये खुद कर देगा। सो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मी ऑन का फाउंडेशन। गाइस कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रहते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। सो मैंने ये मी ऑन का फाउंडेशन लिया है एंड इसे मैंने यूज़ किया है। इसकी जो कवरेज मैंने देखी वो मीडियम टू हाई कवरेज है गाइस, बट ना थोड़ा सा लाइट शेड मैंने पिक कर लिया था। सी कोई भी अपना राइट फाउंडेशन शेड नहीं ले पाता है, इनफैक्ट मैं तो बिल्कुल नहीं ले पाती हूँ। सो थोड़ा सा लाइट शेड आ गया है, हम इसे कैसे करके वर्क कर ही लेते हैं एक्चुअली। सो इसे ना एक्चुअली ना ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो पहले तो ये थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा था, बट आप आगे देखोगे कि ये एकदम मेरी स्किन पर ऐसे सेटल हो गया था। सो फर्स्ट तो मैंने इसे ब्रश से ब्लेंड किया एंड देन मैंने इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया, एंड ब्यूटी ब्लेंडर है कलर बार का, उससे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इसे। एंड यस आई मस्ट से कि इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग भी है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सीज ब्यूटी का पेन कंसीलर, एच डी पेन कंसीलर। यू नो जब से मैंने ये प्रोडक्ट देखा है ना मैं इसकी एकदम फैन हो गई हूँ। लिटरली मेरे पास इसके ना 4 शेड्स हैं, मतलब ये वाला मैंने न्यू लिया है, 3 मेरे पास ऑलरेडी रखे हुए थे। सो ये वाला है प्योर बेज शेड है इसका, हाँ। सो मैं सारे शेड्स को ना ऐसे टेस्ट आउट कर रही थी। लेट मी नो कि अगर आपको पूरा रिव्यू चाहिए हो तो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे शेड्स हैं इसके। सो यस मैं इस कंसीलर को अपने पूरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स में अप्लाई करूँगी, हाइलाइटिंग पॉइंट्स में अप्लाई करूँगी लाइक अंडर ऑफ माई आईज़, टी जोन एरिया, यहाँ सब मैं अप्लाई करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा था एंड बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो रहा था एंड बहुत ही अच्छी कवरेज है इसकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कवरेज है। बट एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है कि आपका जो वो ये रोल ऑन वाला दे रहे हैं ना, सो उसमें जो प्रोडक्ट ना रह जाता है, सो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बस नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर, इसमें मेरा शेड है बनाना। गाइस ये भी बहुत अच्छा पाउडर मुझे लगा एंड ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फाइन सा इसका टेक्सचर है, लाइक बहुत ही ज़्यादा फाइन है, थोड़ा उड़ने उड़ने वाला है ये, मैं सच्ची बताऊँ तो। तो यस एंड ना इनके ना मैंने दोनों ही लूज पाउडर देखे कि ऐसे ही हैं, मतलब स्विस ब्यूटी के, लाइक एक प्राइम एंड सेट वाला भी आता है वो भी ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा सा ही फाइन है एंड ये भी, बट इसकी कवरेज मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, ये मुझे उससे ज़्यादा बेटर लगा एक्चुअली। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ सुगर का आर्च अराइवल ब्राउ पेंसिल एंड इसे मैं अपनी आईब्रोज ड्रॉ करूँगी। बस मैं अपनी नेचुरल लाइन को फॉलो करती हूँ, एक्स्ट्रा कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करती हूँ, ऐसा ही करना चाहिए। लाइक इसमें मेरा शेड है 04 आई थिंक, या जो कि ब्राउन भी नहीं है बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं है, मीडियम टोन पे इस टाइप का शेड है ये। सो ये मेरे ब्राउज के लिए ना एकदम परफेक्ट शेड है। सो जस्ट मैं इसे फिल करूँगी एंड देन स्पूली से सेट कर लूँगी।
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स है गाइस, मल्टी कलर पैलेट है ये। सो इसका मैं ये ऑरेंज सा शेड लेके एंड इसे मैं एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। वैसे मैंने ना आज की आईज़ में ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ड्रामेटिक नहीं रखी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी है। लाइक ये ऑरेंज वाला जो कलर है, ऑरेंज एंड डार्क ऑरेंज, इसमें दो शेड्स हैं, बट दोनों को मिला के मैंने ना अपने ट्रांजिशन शेड में अप्लाई किया है। एंड थोड़ा सा ना इंटेंस करने के लिए इसका जो डार्क वाला शेड है ऑरेंज, वो अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैंने अप्लाई किया है स्विस ब्यूटी का ही मेटेलिक लिक्विड आई शेडो। गाइस ट्रस्ट मी, आँख बंद करके आप इन प्रोडक्ट्स को ले सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिक्विड आई शेडोज़ हैं। अगर आपने ये नहीं लिया ना आई शेडोज़ में तो क्या लिया, मैं आपको बता रही हूँ। इसका ना मैंने पूरा एकदम पैक लेके रखा है। अगर आप सिंगल लेते हो तो आपको 199 का कुछ पड़ेगा, एंड अगर आप पूरा पैक लेते हो तो आपको 700-800 का मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मैग्नेटिक आईज़ वाला ये आईलाइनर, एंड इसकी टिप इतनी ज़्यादा मतलब प्रिसाइज थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतने अच्छे से लाइनर ड्रॉ हो रहा था, मुझे तो मज़ा ही आ गया था। इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे विंग, पहले मैंने सोचा था कि विंग ड्रॉ नहीं करूँगी, बट ऐसे लगाते लगाते इतना मन लगा ना मेरा, इतनी अच्छी इसकी टिप थी कि मैं एकदम विंग निकाल दी गई। सो थोड़ा सा मैंने विंग निकाल लिया, एंड देन फिर मैंने सेम आई शेडोज़ को लेके एंड अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लिया। बहुत ही सिंपल सा मैंने रखा था आई मेकअप। सो यहाँ मैंने अपने दूसरी आई का मेकअप ऑफ कैमरा किया है। सो मैंने अप्लाई किया है पैक की आईलेसेस। गाइस अगर आप एक बार आईलेसेस अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपसे आने लगेगी ना, ट्रस्ट मी आप लोग एडिक्टेड हो जाओगे आईलेसेस अप्लाई करने के। इतनी ज़्यादा आपकी आईज़ अच्छी लगने लगती है, फुलर लगने लगती है, दैट्स वाई। सो नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया है फेसेस कैनेडा का मैग्नेटिक आईज़ वाला मस्कारा, एंड आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है ये। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है कलर एसेंस का ये ब्रॉन्ज़र। अच्छा, सो ब्रॉन्ज़र एंड कॉन्टोर में ना बस यही डिफरेंस है कि ब्रॉन्ज़र जो है वो आपके फेस को एकदम वार्म्थ लुक देता है, एंड कॉन्टोर आपके फेस को ना एक स्कल्प्टेड लुक देता है, एंड आपके जो फीचर्स हैं ना उनको एनहेंस कर देता है। ओवरऑल हम अगर कहें तो आपके फीचर्स को एनहेंस कर देता है, एंड दैट्स इट। बेसिकली मुझे ना ब्रॉन्ज़र ज़्यादा अच्छा लगता है कॉन्टोर से, क्योंकि मेरे फीचर्स वैसे भी एनहेंस मुझे लगते हैं थोड़ा बहुत। सो जस्ट मुझे थोड़ा सा ब्रॉन्ज़र की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस रोज़ का ब्लश, एंड ये ना बहुत अच्छा मॉवी पिंकी काइंड ऑफ शेड है, अच्छा लगा मुझे। सो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, एंड इसका शेड था आई थिंक, हाँ इसका शेड है 03 ब्लश बेबी। एंड गाइज मैंने जो यहाँ पर ब्रशेज यूज़ करी हैं वो है कप्स एंड लैशेज़ की ब्रशेज। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहो तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी हैं। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, एंड मैंने हाइलाइटर के लिए स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर। अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइलाइटर है, इससे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स को हाइलाइट करूँगी, लाइक चीक बोन, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड बो, ब्राउ बोन, चिन, एंड मैंने इनर कॉर्नर्स को भी थोड़ा सा हाइलाइट किया है इससे, क्योंकि इनर कॉर्नर्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप हाईलाइट कर लेते हो तो आपकी आईज़ ना एकदम बड़ी बड़ी सी लगती है, दैट्स वाई। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स का लिप लाइनर। गाइस अगर आप चाहते हो ना कि आपकी लिपस्टिक एकदम परफेक्ट लगे तो प्लीज़ कभी भी यू नो लिप लाइनर लगाना बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन की हाइपर स्टे लिपस्टिक, एंड इसमें मेरा शेड है 01। ये एकदम ब्लड रेड कलर था जो कि मेरे ब्लाउज के साथ एकदम मैच कर रहा था, दैट्स वाई मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई करी है। एंड इसके बाद मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी थी, एंड दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल लुक। सो गाइज दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। ये लुक ना मेरे लिए भी एकदम न्यू ही था, सो आप लोग ज़रूर बताना कि ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, एंड आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।